मैं अजय पांडे छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में मेरी बात बने कार्यक्रम को लेकर क्या कहना? गुरुजी का जो अभियान है कि अपने यजमानों को चारों धाम की यात्रा करवाएंगे, इसमें सबसे पहले हम रामेश्वरम गए, यहाँ से आज दूसरी यात्रा जो है बद्रीनाथ से चालू हुई है। बहुत अच्छा रहा, आज प्रथम दिवस में शिवलिंग निर्माण हुआ, शिवलिंग निर्माण के बाद जो है रुद्राभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक के बाद जो है अब आगे का कार्यक्रम। तो इस तरह के कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ता है? पहले भी कार्यक्रम में शामिल हुए, दूसरा कार्यक्रम में आगे भी शामिल होने की इच्छा, क्या प्रभाव पड़ता है जीवन? इस तरह के कार्यक्रम का जो प्रभाव है जीवन में है कि सबसे पहले तो हम अध्यात्म से जुड़ते हैं और हमारे जो गुरु जी हैं बागेश्वर धाम सरकार का जो अभियान है, जो हिंदू राष्ट्र निर्माण है और सारे हिंदुओं को जागृत करना है, उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम होते हैं, इससे सभी प्रेरित होते हैं। अधिकांश देखा जाता है कि यात्रा जो होती है चारों धाम की तो एक एक दो दो दिन की रहती है, बद्रीनाथ केदारनाथ 5 दिन का कार्यक्रम, यहाँ पर अलग अलग जगह के दर्शन भी करवाए जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमको तो 5 दिन ही कम लग रहा है और यात्रा चूंकि बहुत दुर्लभ है बद्रीनाथ का, उसके लिए जो 4-5 दिन का जो आयोजन है वो भी कम ही लग रहा है, लेकिन चलिए जो है अच्छा है। कल गुरुदेव आएंगे, परसों से कथा सुना, 3 दिन भगवान शिव की नगरी में कथा सुनाएंगे, तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है बद्रीनाथ में, खासकर गुरु जी का कार्यक्रम हो रहा है और सारे यजमान इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गुरु जी का वर्ष आगमन का इंतजार है, बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे गुरु जी आए और हम सबके बीच में कथा कहेंगे।